हमारे ड्राइवर साहब राडो, मिस्टर ड्राइवर, ओ मिस्टर ड्राइवर गाड़ी पीछे लो गाड़ी पीछे लो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है हमारी हेल्थ, और हमारी हेल्थ को अच्छी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और उस चीज़ को आप दो तरीके से अच्छी रख सकते हो। पहला है कि एक जो माइंड का एक्सरसाइज है, जैसे कि मेडिटेशन और प्राणायाम और आसन है, उसकी वजह से। और दूसरा है जो आप यू नो लाइक जिमिंग करते हो, आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हो, तो वो दोनों एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। अभी जो बॉडी की एक्सरसाइज है उसके लिए आपको ऑब्वियसली जिम जाना पड़ता है। जिम जाने का टेंशन रहता है, टाइमिंग्स अलग अलग रहते हैं, जिम का ट्रैवल टाइम रहता है, और ये सब चीज़ों के अंदर मैंने देखा है अक्सर कि हम यू नो पैसा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उसके बाद भी हम उसको कोप अप नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग टाइम और वो सब। लेकिन अभी हमारे घर के नज़दीक जो एक PMC का जो नया इनिशिएटिव है वो शुरू हो गया है, और वो रहने वाला है 24 आवर्स जिम। तो बाकी की डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन लेट्स जस्ट गो एंड सी कि किस तरीके के पूरे इक्विपमेंट और किस तरीके से पूरा जो जिम का जो सेटअप है वो लगा के रखाया हुआ है। दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं ये सेटअप पे, जहाँ पे आप पूरा लाइन देख सकते हो। पूरे लाइन पे आपको जो जिम का जो सेटअप है वो सेटअप किया हुआ है पुणे म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, अच्छी तरीके से देख सकते हो, जो पुणे के वेरियस एरियाज़ में अवेलेबल है, जैसे कि वानवरी, औंद, वागोली, ये सब एरियाज़ के अंदर आपको ये पूरा जो सेटअप है वो रोड के साइड पे देखने मिलता है। अभी ये आपको देखना है कि आपकी सिटी में ये अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन ये आई थिंक हमारे घर के जस्ट लाइकली अबाउट आई थिंक 500-600 मीटर्स की दूरी पर भी है। सो अभी आप देख रहे होगे, अभी पूरा जो जिमिंग है वो कर दिया जा रहा है, और मतलब पूरे 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 साल का एक्सरसाइज अभी से शुरू हो गया है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे अलग अलग सेटअप है अलग अलग टाइप के एक्सरसाइज के लिए, और वही जो सेटअप है वो अभी यूज़ हो रहा है, और जो हम सब लोग हैं वो उस जिम के जो सेटअप है उसको हम यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो यू नो लाइक ये पूरा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जहाँ पे आप देख रहे होगे जो एक्सरसाइज है वो अलग अलग टाइप की, और ऐसा नहीं है एक दो इक्विपमेंट हो, बहुत सारे इक्विपमेंट है जो ऑन द रोड लगाए हुए हैं, और वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तपन, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस इनिशिएटिव, और वो कैसा है? आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द पुणे गवर्नमेंट एक्चुअली, considering everyone's health and considering this scenario, it's very mandatory to, you know, everybody is going to gym, spending thousands of money in gymming and exercising. So this would be a great initiative for all the, I would say, common or let's say middle class people who wants to do the gym, but you know due to the cost and all and due to the timing they're not able to do it. So this would be a great benefit to the all of those people. ओके ग्रेट, नाउ लेट्स गो टू नमू, और हम नमू से जानते हैं कि नमू को ये पूरा जो इनिशिएटिव है कैसा लगा। नमू, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस इनिशिएटिव? इतने टाइम के बाद एक्सरसाइज करने के बाद तो अच्छा लग रहा है, और ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का वो भी अच्छा है, क्योंकि फ्री में हम सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो लोग जिम अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पे आराम से आके अपना पूरा वर्कआउट कर सकते, पूरे एक्सेसरी से, पूरी वो है इक्विपमेंट से, तो आराम से वो लोग कर सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे। अभी पूजा को पूछते हैं कि ये यहाँ का जो जिम का सेटअप है वो कैसा है, और ख़ास करके जो बिल्ड क्वालिटी है जिम के जो सेटअप की वो कैसी है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत टाइम बाद मैंने जिम किया है। स्कूल में थी तब किया था, उसके बाद डायरेक्टली अभी कर रही हूँ। ओके, तो मतलब ये इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसा है, मतलब लाइक
ड्यूरेबल है, अच्छी तरीके से हम कर पाते हैं, कोई तकलीफ नहीं आती है, कैसा नहीं, है? बराबर है, एकदम अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। ओके, सो यही था पूरा जो सेटअप जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लगा के रखा है, और आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर हम इसके बेनिफिट की अगर बात करें तो बेनिफिट में सबसे पहला तो ये किया, ये 24 आवर्स आप कभी भी आ सकते हो, ये रोड के साइड पे है तो कभी भी आप उसका जो जिमिंग है वो आप कर सकते हो और आप जिम का फ़ायदा ले सकते हो। दूसरा है कि जो उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, ड्यूरेबल है, मतलब बारी बारी से इतना ज़्यादा मेंटेनेंस की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ती है, तो ये एक अनदर बेनिफिट है। और तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा जो चार्जेस है वो फ्री रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हो यहाँ पे और बिना कुछ पे किए आप इस चीज़ का हर एक क्लास ऑफ पीपल जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, आराम से वो लोग आके जिमिंग कर सकते हैं बिना कुछ पैसा भरे हुए। तो ये आपकी जो हेल्थ है वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो ये गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, सो बहुत अच्छा चीज़ है। अभी इसके कुछ डाउन साइड भी है, जैसे कि जो आते जाते व्हीकल का जो नॉइस है वो इशू कर सकता है, थोड़ा बहुत इनो रोड साइड है तो वो वाला चीज़ भी मैटर करता है थोड़ा, लाइक इसको टाइम टू टाइम कैसा है कि मेंटेनेंस भी करना ज़रूरी है। तो ये सब पॉइंटर्स है, लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा ख़ास करके वागोली यहाँ की वागोली की ग्राम पंचायत को और PMC को के ये इनिशिएटिव को लिया और इनिशिएटिव को लेके ये लाइक स्कूल और ऐसी जगह के आजू बाजू में ये सेटअप को तैयार किया, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है वो इस चीज़ का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं, तो दैट इज़ समथिंग रियली ग्रेट। अभी बाकी का जो है वो आप शॉर्ट्स देख ही रहे हो। जिम का सेटअप अच्छा है, मॉर्निंग वॉक के लिए अच्छा है, जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल है। तो सर आप यहाँ पे नज़दीक ही रहते हो? यहाँ पे हाँ नज़दीक रहते हैं। ओके, और आपका नाम क्या है? प्रशांत। प्रशांत नाम है और ये यहाँ पे नज़दीक ही रहते हैं, आपके लिए तो लाइक एकदम वॉकिंग टाइप हो जाएगा। और तो यहाँ का जो जिम का पूरा जो सेटअप है वो सेटअप में मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब अवेलेबल है, राइट? तो वो एक और अच्छी चीज़ है कि जो यहाँ के जो नज़दीकी जो सिटीज़न है उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो ऐसे वॉक करके ये जिम का जो सेटअप है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर जी। थैंक यू। ओके सर जी, तो आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम रवि पारिक। रवि पारिक, और आप यहाँ पे नज़दीकी में रहते हैं? मैं सवाना सोसाइटी में रहता हूँ यहाँ। ओके, और आपको ये जो पूरा जो सेटअप उन्होंने करके रखा है, जो गवर्नमेंट ने पूरा सेटअप बनाया है, वो आपको कितना यूज़फुल लग रहा है और कितना अच्छा है ये सेटअप? तो ये बहुत यूज़फुल है, मींस अगर अब अपने डेली रूटीन में लाते हैं इसको, हाँ, तो भी इम्प्रूव आवर स्टेमिना और हमारी जो मतलब माइंड है वो भी शार्प, मतलब शांत होता है, मेंटली भी हम स्ट्रांग होते हैं। बट ओनली रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर ये एक तरफ में लग के दूसरे साइड भी होता तो ज़्यादा लोग यूज़ कर पाते। ओके, बिकॉज कभी कभी क्या होता है भीड़ बहुत हो जाती है, लोग बहुत हो जाते हैं तो प्रॉपर कई लोग यूज़ नहीं कर पाते और चले जाते हैं। तो ये मतलब हर एटलीस्ट 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे होगा तो लोग इसका ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, जैसे कि हमने फीडबैक लिया कुछ लोगों से, तो वो बोल रहे थे कि ये आयरन का है तो उसकी वजह से बच्चों को लगने का डर लग सकता है, तो क्या आपको क्या लगता है ये चीज़ ऐसा है लग सकता है कि मतलब सही आपको लग रहा है? सही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कैसे यूज़ करते हो, बट ये भी है कि इसके साथ साथ इसका मेंटेनेंस भी चाहिए। अभी जैसे आप देखो कि एक दो मशीन्स हैं दैट वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। ओके, जैसे वो वाली मशीन हो गई उधर, तो अगर वो गवर्नमेंट वो क्या है, कोई अगर इसको पता नहीं है और अगर वो यूज़ कर रहा है तो टूट सकता है और लग सकता है। करेक्ट, तो रेदर मतलब एक मेंटेनेंस भी होना चाहिए, बिकॉज लगाना इजी है, मेंटेन करना इज टफ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हर जगह लगेगा तो बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी हमने पूरा सर्वे किया था तो ऑन द वानवरी बहुत सारी जगह पे अभी इन लोगों ने ये जो सेटअप है उसको डालना शुरू कर दिया है, तो आई थिंक हम अपकमिंग टाइम के अंदर अभी गवर्नमेंट सुन रही है तो आई थिंक और ज़्यादा हमें ऐसे इनिशिएटिव देखने मिल सकते हैं। आवाज़ पहुँचाइए हमारी गवर्नमेंट तक। ऑब्वियसली सर, इसके लिए हमें अभी क्या कि हम वैसे तो यूट्यूब अलग अलग वीडियो पे बनाते हैं, लेकिन क्या कि ये एक अच्छा सेटअप है जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी और पब्लिक तक पहुँचाना ज़रूरी है। आपको कैसा लग रहा है अंकल ये इक्विपमेंट्स में एक्सरसाइज करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा है। दोस्तों क्या नाम है तेरा? नाम क्या है? संदेश। संदेश नाम है, और तेरा नाम क्या है? आर्यन।
आर्यन, तो संदेश और आर्यन कैसा लग रहा है ये सेटअप पे बैठकर और जिम करते हुए? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कितना कितना जिम कर लेते हो रोज? रोज 6 बजे आते, 8 बजे जाते। 6 बजे से 8 बजे तक जिम करते हो? अच्छा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, अभी आपको जिम का अगर मैक्सिमम यूज करना है तो फिर आपको जो आवर्स है वो मेनली क्राउडेड आवर्स में आप नहीं आओगे तो क्या कि बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। बाकी आप ये जिम का जो पूरा का पूरा इस्तेमाल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। तो अब तपन, मैं क्या बोल रहा था, ये अपने व्यूअर्स को बता दे हम कि हम शाम को कहाँ पे वहाँ स्ट्रीट फूड खाने के लिए। दोस्तों एक जोरदार स्ट्रीट पूछ क्या रहा है? नहीं, पर कौन सा स्ट्रीट फूड, ऐसा कौन सा स्ट्रीट फूड खाने वाले है वो हम सरप्राइज रखना ना, हम सरप्राइज रखते हैं, आपको जस्ट थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे ड्राइवर साहब, राडो मिस्टर ड्राइवर, ओ मिस्टर ड्राइवर, मिस्टर ड्राइवर गाड़ी पीछे लो, गाड़ी पीछे लो, गाड़ी पीछे लो। सो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड शाम के बजे है 6। मैं बहुत ही अच्छी वाली नींद लेके उठ गया हूँ अभी और रेडी हो चुका हूँ आप लोगों को एक नया नजराना दिखाने के लिए, जो है स्ट्रीट फूड एडिशन। तो ये स्ट्रीट फूड एडिशन की शुरुआत जो है वो हम अभी करने वाले। आई होप आप लोगों को सुबह का जो जिम का जो इनिशिएटिव है वो अच्छा लगा होगा। अभी डेली व्लॉग के अंदर आपको नए नए स्ट्रीट फूड का जो तलाश है जो हम पुणे में करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। आई होप आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी और उसके बारे में कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये जो ब्लॉग के अंदर जो डिफरेंसेस हो रहे हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं और कहाँ पे क्या कुछ किया जा सकता है। आपके फीडबैक जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं और वही इस चैनल को बनाते हैं। तो डू गिव द फीडबैक और वीडियो में बने रहे, वीडियो को देखते रहो और डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज यू नो उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और नए नए और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो लेट्स बिगिन आवर राइड एंड जाते कोई एक नए स्ट्रीट फूड की तलाश में। और हाँ, आजकल मेरे को जो नमो जो पुदीना वाली चाय बना के देती है वो ज़्यादा पसंद आने लगी है, इन डिफरेंस टू कॉफ़ी। कॉफ़ी कॉफ़ी है लेकिन यू नो आज पूरे दिन में एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि ये पुदीना वाली चाय का मज़ा लिया जाए। तो नाउ वी आर ऑल सेट टू गो फॉर अ स्ट्रीट फूड। चलो ओके। तो स्ट्रीट फूड का फूड है उसके अंदर सबसे पहले हम आ गए यहाँ पे पुणेनी स्वीट्स और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जहाँ पे हमें वेरियस टाइप्स ऑफ चाट अवेलेबल हो जाते हैं और दूसरा ऑप्शन होने वाला है जहाँ पे अपने को मिलेगा कच्ची दाबेली, मेयोनीज दाबेली, सेव पाव, लाइक दैट काइंड ऑफ ऑप्शन। सो दोनों जगह से एक एक चीज़ ट्राई करेंगे और ट्राई करके फिर देखते हैं कि कैसा रहता है और पूरा जो चीज़ है वो कैसे बनता है। मीठा चटनी, ये तीखा स्पाइसी, और ये तीखा चटनी, ये ऑनियन, ऑनियन डाला, पीनट्स, टमाटर भी डाले जा रहे हैं।
ककड़ी डाली जा रही है। ओके अभी उसके ऊपर अभी है मेयोनीज डाला जा रहा है पूरा। और ये टमाटर सॉस केचप, टमाटर केचप डाला जा रहा है। असली करामत अभी शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पे भी सेव डाला गया है, मायोनीज डाल रहे, टोमेटो केचप, और ढेर सारा चीज। सो ये हो गया है हमारा सेव पाव रेडी। मतलब लाइक दिस इज नॉट जस्ट सेव पाव, चीज बस्ट सेव पाव है। और उसको हम अभी ट्राई करेंगे कैसा पूरा रहता है। पूरा चीज़ ऐसे निकल रहा है और पूरा मेयोनीज भी है। एकदम यमी है और जो क्रंचीनेस आ रहा है सेव की वजह से वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अगर आपको ये खाना है तो आपको आना पड़ेगा बाइफ रोड पे। बाइफ रोड पे आप आओगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये पुणेनी स्वीट्स है वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। तो मौसम पीछे, पहले तो मौसम देखो कैसा, पूरा कितना मस्त कलर आ रहा है। और तपन ये कलर भी अच्छा है। ओके तपन सो ये मैम लॉट ऑफ चीज मेयोनीज क्रंचीनेस। तो आप जब भी आओ आप ये बाइक को मिल सकते हो। और यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के सेव पाव और दाबेली मिल जाएंगे। चाट रेडी। सो अभी हम समोसा चाट जो है वो तैयार हो चुका है और हम लेते हैं कि किस तरीके का रहता है पूरा। सो लेट जस्ट सी, लेट मी टेस्ट। गरम है और अमेजिंग है। इसमें अलग अलग टाइप की जो चटनी और जो पूरा डालकर जो चाट बनाया जा रहा है, खास करके वो जो खजूर की जो चटनी है वो बहुत ही प्यारी लगती है। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग।